मौलवी साहब ये माचिस है, ये कागज़ है, ठीक है ना जी। दोनों हाथों में कुछ भी नहीं है, हाथ बिल्कुल खाली, कुछ भी नहीं है। अब देखना ये है कि ये माचिस और ये कागज़ का टुकड़ा दोनों को मिलाएंगे तो एक मैजिक तैयार होगी। कैसे, अभी देखते हैं। आपके सामने से जलाएंगे, जलाने के बाद इसकी राख बनेगी। जब भी मैं राख बनाता हूँ तो मैजिक बनता है। कैसे देखते ये है कि अब मैजिक करेंगे। तो ये राख से बनाया हुआ वो नोट आपके सामने, ये नोट बनाया है। नोट को दोबारा हम खाएंगे, मीठे भी बहुत होते हैं। इस नोट से कोई और नोट भी मैजिक बनाओ, अपने हाथ में दोबारा 100 वाला नोट बंद कर दो और यूं मैजिक बनाएंगे। ऐसे 1 2 3 कहना है, 1 2 3 को कहने से मैजिक तैयार। अब देखना ये है 100 से कौन, ओहो ये क्या बन गया। अब ये नोट कितने वाला बन गया जी? 50। मेरे पास और कोई नोट नहीं है जी, ये 50 वाला नोट के अंदर से हम 100 वाला नोट बरामद करेंगे जी। कैसे, आइए देखते हैं जी। गो मैजिक बनाएंगे, 1 2 3 गो, ये 100 वाला नोट तैयार। अब दोनों नोटों को हम गैप करेंगे। कैसे, आपके नज़र के सामने ये 100 वाला नोट है और दूसरा 50 वाला नोट। कितने नोट हो गया जी, कितने नोट हो गया भाई? दो नोट। दोनों को हम गैप करेंगे अपने मैजिक से। अब दोनों नोट आपके सामने है, मैजिक बनाओ। अब दोनों नोटों को गैप, 1 2 3 गो कहना, 1 2 3 गो। नोट कहाँ चले गए? ये आ गए। यूँ मैजिक बनाएंगे तो नोट वापस तैयार, ठीक है। अब इसको बोलते हैं मैजिक। अच्छा ये बताएं, आपने देखना ये नोट कितने वाला है? 100 वाला नोट को भी हम मैजिक बनाते हैं। कैसे, आइए देखते हैं जी। मेरे पास एक फाइल पड़ी है जी, फाइल के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली कुछ भी नहीं है। दोनों साइड देखें जी, कुछ भी नहीं है। अब ये 100 वाला नोट आपकी नज़र करते हैं जी, ये 100 वाला नोट, ये 100 वाला नोट फाइल के अंदर बंद करेंगे और इसको फैन बनाएं, 1 2 3 गो, ये 100 वाला नोट। इसको बोलते हैं अपना मैजिक। जब आप 100 से हम फ्लावर बनाते हैं तो कुछ भी बन सकता है जी। अब इसके अलावा मेरे पास और हज़ारों आइटमें होती हैं जी, आइए देखते हैं और आइटम की तरफ चलते हैं जी।